हेलो यार, क्लैश एट द कैसल इवेंट होने में बस अब 2 दिन रह गए हैं। और यार बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट इस इवेंट के लिए, क्योंकि यार एक तो ये इवेंट रेसलमेनिया लेवल का होने वाला है और दूसरी बात ये कि WWE ये करवाने के लिए UK जा रही है। और जब भी WWE किसी दूसरी कंट्री में जाती है इवेंट्स करवाने, तो बहुत सी एक्साइटिंग और इंटरेस्टिंग और शॉकिंग चीजें हमें देखने को मिलेंगी इस इवेंट से। इसलिए WWE इतने इंटरेस्टिंग मैचेस भी बुक कर दिए ऑलरेडी इस इवेंट के लिए। एंड आज की इस वीडियो में उन्हीं सब मैचेस की प्रेडिक्शन करने वाला हूं, लेकिन उसी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगा इन सारे मैचेस के बेटिंग ऑड्स, यानी स्पॉइलर हो सकता है इस वीडियो में। बट इससे पहले कि आपको अपनी प्रेडिक्शन और सारे बेटिंग ऑड्स बता दूं, उससे पहले आप अभी के अभी कमेंट सेक्शन में जाओ और जितने भी मैचेस WWE ने अभी तक अनाउंस कर दी क्लैश एट द कैसल के लिए, हर एक मैच की प्रेडिक्शन कमेंट सेक्शन में जाके करो कि आपको क्या लगता है कि कौन कौन से सुपरस्टार उन मैचेस में जीतने वाले हैं। बाकी मैं तो बताता हूं आपको सारे रिजल्ट्स, लेकिन इंट्रो के बाद सो नाउ विदाउट वेस्टिंग ज्यादा टाइम लेट्स गेट इनटू दिस वीडियो। ओके यार, मैं पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि जिस टाइम पर मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, WWE ने अभी तक 5 मैचेस अनाउंस किए इस इवेंट के लिए। एंड अगर फर्दर कोई मैच WWE ऐड कर देती है तो टेंशन नहीं लेनी होती जिंदगी में बिल्कुल भी। जिस टाइम पर इवेंट लाइव चल रहा होगा, मैं उस टाइम पर हर मैच से पहले फ्रेश एंड फाइनल बैटिंग ऑर्ड्स बता दूंगा आपको सारे मैचेस के। फिलहाल स्टार्ट कर लेते हैं हम पहले मैच से, जो कि हमें देखने को मिलेगा फॉर द इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप, गंथर वर्सेस शेमस के बीच। अब यार दोनों UK से बिलोंग करते हैं, इसलिए WWE ने मैच बुक किया है। और एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ कि रेसलमेनिया 37 के बाद से ये पहली बार हो रहा है कि इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप किसी प्रीमियम लाइव इवेंट में डिफेंड हो रही है। यानी समझ रहे हो कि कितनी कम वर्थ होगी थी इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप की, लेकिन अब ट्रिपल एच कंट्रोल में तो वापस से ट्रैक पे आ रही है अब सारी चीजें। बाकी बात रही इस मैच के रिजल्ट की, हम सबको पता है कि ट्रिपल एच को NXT के सुपरस्टार थोड़े ज्यादा पसंद होते हैं, और अभी तक गंथर को इतना ज्यादा टाइम भी नहीं हुआ इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियनशिप होल्ड करते हुए। तो फिलहाल तो मेरी प्रेडिक्शन गंथर के लिए रहेगी कि वो अपनी चैंपियनशिप को रिटेन कर लेंगे और हरा देंगे इस मैच में शेमस को। बट वहीं बात करें हम बेटिंग ऑड्स की, तो बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी गंथर ही फेवरेट है कि वो इस मैच में इजीली शेमस को हरा देने वाले हैं। चलते हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलेगा, जो कि हमें समर स्लैम में देखने को मिलने वाला था, सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस वर्सेस रिडल का। एंड बहुत लंबा टाइम हो गया, मुझे तो याद भी नहीं आ रहा कि इस साल ऐसा कौन सा इवेंट है जिस टाइम पर सेथ रॉलिंस जीते हो मैचेस को, क्योंकि अब उन्होंने मैचेस ऐसे सुपरस्टार्स के साथ रेसल किए जिनके ऊपर उन्हें विक्ट्री नहीं दी जा सकती थी। लेकिन अब फाइनली उनका मैच रिडल के साथ होने वाला है, तो इस बार तो यार मेरी प्रेडिक्शन रहेगी सेथ फ्रीकिंग रॉलिंस के लिए कि वो इस मैच में रिडल को हरा देंगे। एंड वहीं बात रही बैटिंग ऑड्स की, तो बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी करंटली सेथ रॉलिंस ही फेवरेट है। लेकिन हां एक बात मैं क्लियर कर दूं कि बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं, यानी पासा पलट भी सकता है इस मैच में। नाउ कमिंग टू आवर नेक्स्ट मैच, जो कि हमें देखने को मिलेगा बियांका ब्लेयर, एलेक्सा ब्लिस एंड आस्का वर्सेस बेली, डेकोटा काई एंड इयो स्काई के बीच एक 6-woman टैग टीम मैच। मतलब मुझे याद दिला दो कि लास्ट टाइम ऐसा कौन सा टैग टीम मैच है, वो भी वुमेन्स का, जो कि प्रीमियम लाइव इवेंट के लिए बुक किया गया हो। PPVs तो छोड़ ही दो, वीकली शोज पर भी कोई इंटरेस्ट नहीं आता था वुमेन्स डिवीजन में। लेकिन अब ट्रिपल एच के कंट्रोल में आने के बाद यार एक चीज तो क्लियर है कि वुमेन्स डिवीजन यहां से ऊपर ही ऊपर उठने वाली है। एंड बात रही इस मैच के लिए, इंटरेस्ट तो मेरा बहुत ज्यादा है, ऑल्दो एक टीम में रॉ वुमेन्स चैंपियन है, एलेक्सा ब्लिस है, आस्का है, लेकिन करंटली जिस तरह बुकिंग चल रही है बेली की स्टेबल की, लग नहीं रहा कि WWE अभी उनका मोमेंटम ब्रेक करेगी। इसलिए मैं इस मैच के लिए प्रेडिक्ट करूंगा कि बेली, डेकोटा काई एंड इयो स्काई इस मैच में बियांका, एलेक्सा और आस्का को हरा देने वाले हैं। लेकिन ये तो मेरी प्रेडिक्शन थी, बेटिंग ऑड्स इस मैच में क्या कह रहे हैं। यार इस मैच के बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी बेली, इयो स्काई और डेकोटा काई फेवरेट है कि वही इस मैच में जीतने वाले हैं। इसी के साथ चलते हैं हम अपने नेक्स्ट मैच की तरफ, जो कि हमें देखने को मिलेगा फॉर द स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप, लिव मॉर्गन वर्सेस शेना बेजलर के बीच। अब यार हालांकि ये मैच इन दोनों सुपरस्टार्स के बीच हो रहा है, लेकिन स्टोरी पूरी घूम रही है रोंडा राउजी के इर्द गिर्द। मतलब किसी न किसी तरह रोंडा राउजी इन्वॉल्व है इस मैच में, या हम कह सकते हैं कि स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप पिक्चर में। अब अगर यार रोंडा राउजी वाला कोई सीन नहीं होता, तब तो मैं क्लियरली इसमें पिक करता कि शेना बेजलर इस मैच में जीतेंगी और वो बन जाएंगी न्यू स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियन। क्योंकि यार लिव मॉर्गन का शेना बेजलर को हराना, वो भी क्लीन, थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। आई थिंक कि हमें रोंडा राउजी की इंटरफेरेंस देखने को मिल सकती है शायद इस मैच में, या फिर से कोई ना कोई ऐसा तरीका तो होगा जिसके थ्रू लिव मॉर्गन इस बार भी अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेंगी। इसलिए मेरी प्रेडिक्शन लिव मॉर्गन के लिए रहेगी कि वो इस मैच में शेना बेजलर को हरा देने वाली है। एंड इस मैच के बैटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग भी लिव मॉर्गन ही फेवरेट है कि वो इस मैच में शेना बेजलर को हराएंगी और रिटेन कर लेंगी अपनी स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप को। एंड नाउ कमिंग टू आवर वन फाइनल लास्ट मैच, जो कि हमें देखने को मिलेगा द ट्राइबल चीफ, द हेड ऑफ द टेबल, रोमन रेंस वर्सेस द स्कॉटिश वॉरियर ड्रू मैकइंटायर के बीच फॉर द अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप। एंड यार ये मैच इतना ज्यादा एक्साइटिंग है, इतनी सारी प्रेडिक्शन स्पेकुलेशन हो चुकी है इस मैच के लिए, क्योंकि अब ये ब्रॉक वर्सेस रोमन वाला मैच नहीं है जिसमें दोनों ही पार्ट टाइमर्स लड़ रहे हो। अभी मैच एक पार्ट टाइमर वर्सेस फुल टाइमर के बीच है, और WWE पता नहीं कौन सी स्ट्रेटेजी लगाने वाली इस मैच के लिए। क्या वो किसी तरह एक चैंपियनशिप रोमन रेंस से ले लेंगे, या दोनों ही चैंपियनशिप रोमन रेंस से चली जाएंगी, या दोनों ही नहीं जाएंगी। बहुत सी कंफ्यूजन है, इसलिए मैच इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग भी है। तो इस मैच के बेटिंग ऑड्स के अकॉर्डिंग यार ड्रू मैकइंटायर फेवरेट नहीं है और रोमन रेंस ही है फिर से फेवरेट, हालांकि बहुत ज्यादा डिफरेंस से नहीं, लेकिन फिर भी फेवरेट तो है कि वो इस मैच में ड्रू मैकइंटायर को हरा देंगे, जैसे वो हराते आ रहे इतने टाइम से इतने सारे
सारे सुपरस्टार्स को और रिटेन कर लेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड डब्ल्यूडब्ल्यू यूनिवर्सल हैवीवेट चैंपियनशिप को। अब मुझे नहीं पता कि आप में से कितने लोगों को ये चीज सुन के अच्छा लगा, कितने लोगों को बुरा लगा। जो भी जैसा भी आपको लगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, और आपकी क्या प्रेडिक्शन है क्लैश ऑफ द कैसल में होने वाले सारे मैचेस के लिए वो भी मुझे कमेंट सेक्शन में अभी के अभी बताओ। एंड एज ऑलवेज अभी दो वीडियोस आपके सामने आ रही होंगी, रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर में कौन सा सुपरस्टार जीतने वाला है वो जानने के लिए ऊपर वाली वीडियो पे क्लिक करना, और रोमन रेंज वर्सेस ड्रू मैकइंटायर की मैच की एंडिंग हमें किस किस तरीके से देखने को मिल सकती वो जानने के लिए नीचे वाली वीडियो पे। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में किसी इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। सो अंटिल दैट टाइम दिस इज जय लॉगिंग आउट।